तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं राजस्थान अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 का कक्षा 11वीं का आपका भूगोल विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका सॉल्यूशन। तो प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है हमारी कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सभी को हमारे द्वारा अपलोड होने वाले वीडियो बराबर मिलते रहे। तो चलेगा प्यारे विद्यार्थियों, बिना किसी देरी के देखते हैं और समझते हैं कि राजस्थान अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 11वीं का आपका भूगोल विषय का क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा और आप सबको इसकी तैयारी कैसे कर लेनी चाहिए। आज आप सभी लोग यहाँ से इसको देख सकते हो, पूरा का पूरा आज हम यहाँ से आपकी अर्धवार्षिक परीक्षाओं का क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं जो कि आपका भूगोल विषय का है। तो आप सभी लोग यहां से इसको देख लेंगे और पूरा इसको समझ लेंगे। तो देखिएगा दोस्तों, आप लोग यहां से इसको देख लें, राजस्थान अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 11वीं का आपका भूगोल विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर है जो कि आज हम यहाँ से इसको देख रहे हैं। तो देख सकते हो, समय दिया जाएगा इसके लिए 3 घंटे का और पूर्णांक होगा इसके लिए 50 अंक का। और इसी के अलावा यहाँ पर ही आपको परीक्षार्थियों के निर्देश दिया गया है, आप सभी लोग दोस्तों इन निर्देशों को पढ़ लें और इनको समझ लेंगे और इसी तरह से प्रश्न आप सबसे अर्धवार्षिक परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो चलेगा प्यारे विद्यार्थियों, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, समझते हैं कि राजस्थान अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 11वीं का आपका भूगोल विषय का क्वेश्चन पेपर कैसा होगा और आप सबको दोस्तों इसकी तैयारी कैसे कर लेनी चाहिए। तो चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और समझते हैं कि राजस्थान अर्धवार्षिक परीक्षा का आपका कक्षा 11वीं का आपका भूगोल विषय का क्वेश्चन पेपर कैसा होगा और आप सबको इसकी तैयारी कैसे कर लेनी चाहिए। देखिएगा दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सभी को हमारे द्वारा अपलोड होने वाले वीडियो बराबर मिलते रहे। तो चलिएगा आप आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और समझते हैं कि आपके राजस्थान अर्धवार्षिक परीक्षा का कक्षा 11वीं का आपका भूगोल विषय का क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा और आप सबको इसकी तैयारी कैसे कर लेनी चाहिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग इसको देख पा रहे हो, ये रहा पूरा का पूरा आपका अर्धवार्षिक परीक्षाओं का क्वेश्चन पेपर। तो यहाँ से आपसे इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो पहले नंबर पे जो क्वेश्चन दिए गए हैं आप सभी लोग इनको देख लेंगे, टोटल आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा वो बिल्कुल इसी प्रकार का आपसे अर्धवार्षिक परीक्षाओं में पूछा जाएगा। तो चलेगा जल्दी से हम इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, देख सकते हो, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भूगोल शब्द का प्रयोग किया है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर आपका ये आ जाएगा। और दूसरे नंबर पे जो लिखा है, निम्नलिखित में से किस देश की सीमा भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है। तो देखिएगा दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है इसका राइट आंसर आपका बांग्लादेश हो जाएगा। और तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन भूगर्भ की जानकारी का प्रत्यक्ष साधन है। तो यहाँ से आपको लिख लेना है ज्वालामुखी। और उसी के अलावा चौथे नंबर का क्वेश्चन लिखा है, निम्नलिखित में से कितनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाती है। तो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा 120 किलोमीटर। और उसके अलावा पाँचवें नंबर का क्वेश्चन देख सकती हो, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी में बहती है। तो यहाँ से आपको लिख लेना है नर्मदा नदी। तो इस प्रकार से आप सभी लोग इसको पूरा देख लें, इसी प्रकार का क्वेश्चन पेपर आपसे अर्धवार्षिक परीक्षा में पूछा जाएगा। चलेगा दोस्तों, आपका जो भूगोल विषय का क्वेश्चन पेपर है इसका पूरा सॉल्यूशन देखते हैं ताकि आप सभी लोग इसको अर्धवार्षिक परीक्षाओं में पूरा लिखकर आ सकें। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग देख पा रहे हो, आप सभी को इन प्रश्नों को जरूर अच्छे से हल कर लेना चाहिए। देख सकते हो यहाँ पर जो क्वेश्चन लिखा है दोस्तों, आप लोग इन प्रश्नों का रिवीजन अच्छे से कर लेंगे। भूगोल के अध्ययन की पद्धतियाँ कौन कौन सी है, भूगोल के अध्ययन में कौन सा आधुनिक विकास हुआ है, और उसी के अलावा यहाँ पर जो क्वेश्चन दिए गए हैं आप सभी लोग इन प्रश्नों के उत्तर को अच्छे से याद कर लें। देख सकते हो, भूगोल एक क्षेत्र वर्णनीय विज्ञान है, स्पष्ट कीजिए, ये वाला क्वेश्चन आप लोग याद कर लेंगे। भूगोल के बारे में संक्षेप में लिखिए। और उसी के अलावा आगे के क्वेश्चन देख सकते हो, देखिएगा क्या लिखा है, भूगोल के अध्ययन का क्या उद्देश्य है, मानव भूगोल की प्रमुख शाखाएँ कौन कौन सी है। और उसी के अलावा आगे के क्वेश्चन देख सकते हो, देखिएगा क्या लिखा है, भूगोल का अध्ययन क्षेत्रीय विकास में किस प्रकार से सहायक है। और उसी के अलावा आगे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, देख सकते हो यहाँ से आप लोग, भूगोल देश की सुरक्षा में सहायक है कैसे, भूगोल मानव जिज्ञासा की तुष्टि करता है, समझाइए। और उसी के अलावा आगे के क्वेश्चन दिए गए हैं, भौतिक भूगोल एवं मानव भूगोल में क्या अंतर है, ये भी आप लोग देख लेंगे। और उसी के अलावा आगे के क्वेश्चन देख सकते हो, रसेल का द्वितारक सिद्धांत क्या है, पार्थिव ग्रह चट्टानी क्यों होते हैं, बिग बैंग सिद्धांत क्या है, इस वाले क्वेश्चन को भी आप लोग नोट कर लेंगे। और उसी के अलावा आगे देख सकते हो, देख लीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे आप इस क्वेश्चन को देख लें, पृथ्वी की विकास संबंधी अवस्थाओं का वर्णन कीजिए। और उसी के अलावा आगे के क्वेश्चन देख सकते हो, यहाँ से
आद्य महाकल्प की क्या विशेषता है, आप लोग इसको भी देख लें और उसी के अलावा आगे के क्वेश्चन को देख सकते हो। यहाँ पर जो जो प्रश्न लिखे हैं, भूगर्भी तरंगे क्या है, भूगर्भ की जानकारी के लिए प्रत्यक्ष साधन के नाम बताइए, ज्वालामुखी के क्या लाभ होते हैं, ये वाला क्वेश्चन आप लोग देख लेंगे। और उसी के अलावा अगला क्वेश्चन, भूकंप से क्या हानियाँ होती है, भूकंपी तरंगों के संचरण का उन चट्टानों पर प्रभाव बताइए जिनसे होकर ये गुजरती है। और उसी के अलावा आगे के क्वेश्चन देख सकते हो, भूकंपी तरंगे छाया क्षेत्र कैसे बनाती है, इस वाले क्वेश्चन को देख लेंगे। और उसके अलावा आगे जो क्वेश्चन मेरे द्वारा बताए जा रहे हैं, आप सभी लोग इन प्रश्नों का रिविजन अच्छे से कर लेंगे। भूकंप के आने के क्या कारण होते हैं, आप सभी लोग इस प्रश्न को देख ले पूरा। और उसी के अलावा अगला क्वेश्चन देख सकते हो, क्या लिखा है, महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति के क्या कारण होते हैं। तो देखिएगा, इसकी उत्पत्ति के कारण होते हैं एक तो तापमान में भिन्नता, खारे पानी की भिन्नता और स्थानीय हवाएं। और उसी के अलावा आगे कुछ ये चीज़ें दी गई है, आप सब लोग इनको याद कर लेंगे। और उसके अलावा आगे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप सबसे, जल धाराएं कैसे उत्पन्न होती है, आप लोग यहाँ तक का इसको पूरा याद कर लें। और उसके अलावा आगे क्वेश्चन दिए गए हैं, देख सकते हो, जल धाराओं की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है, आप सभी लोग इसको यहाँ तक का पूरा याद कर लेंगे। ये बिल्कुल आपसे अर्धवार्षिक परीक्षाओं में इसी प्रकार से पूछे जाएंगे जो कि मैं यहाँ से आपको बता रहा हूँ, इसलिए आप सभी लोग इन प्रश्नों का रिवीजन अच्छे से कर लेंगे। अगला क्वेश्चन, जल धाराओं पर प्रभाव लिखिए, मत्स्य उद्योग पर प्रभाव, बंदरगाह एवं व्यापार पर प्रभाव, यातायात पर प्रभाव एवं वातावरण पर प्रभाव। तो आप सब लोग इन प्रश्नों को देख लेंगे। और उसके बाद में आगे क्वेश्चन दिए गए हैं, क्या भारत को एक से अधिक मानक समय की आवश्यकता है, यदि हाँ तो ऐसा क्यों, आप लोग इसको भी देख लें। और उसके अलावा भारत की लंबी तटरेखा के क्या प्रभाव है, इस वाले क्वेश्चन को देख लेंगे। और उसके अलावा भारत की देशांग की फैलाव इसके लिए किस प्रकार लाभदायक है, इस वाले प्रश्न को आप लोग देख लेंगे और अच्छे से याद कर लेंगे। और उसके अलावा आगे क्वेश्चन देख सकते हो, देखिएगा क्या लिखा है, यदि एक व्यक्ति को लक्षद्वीप जाना है तो वह कौन से तटीय मैदान से होकर जाएगा और क्यों। उसके अलावा भारत में ठंडा मरुस्थल कहाँ स्थित है, इस क्षेत्र की प्रमुख श्रेणियाँ आपको बतानी है। और उसी के अलावा आगे क्वेश्चन देख सकते हो, पश्चिम तटीय मैदान पर कोई डेल्टा नहीं है क्यों, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के नाम, बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं। और उसी के अलावा आगे का क्वेश्चन, हिमालय से भारत को क्या लाभ है, क्या कारण है कि हिमालय से निकलने वाली नदियाँ सदावाहिनी हैं, इसको आप लोग देख लेंगे पूरा। और उसके अलावा आगे के क्वेश्चन दिए गए हैं, आप सब लोग इनका रिविज़न कर लें, भारत में नदियों को आपस में जोड़ने से सामाजिक आर्थिक लाभ क्या है, प्रायद्वीपी नदी के 3 लक्षण आपको बताने हैं। और उसके अलावा आगे क्वेश्चन दिए गए हैं, उत्तर भारत की नदियां सदावाहिनी होती हैं क्यों, दक्षिण भारत की नदियां ग्रीष्मकाल में सूख जाती है क्यों। और उसके अलावा आगे क्वेश्चन दिए गए हैं, देख सकते हो, प्रायद्वीपी नदी भारत की नदियों की विशेषता आपको बतानी है। और उसके अलावा आगे क्वेश्चन पूछे गए हैं, जलवायु परिवर्तन का क्या प्रभाव होता है, विश्व के बढ़ते तापमान को रोकने के उपाय आपको बताने हैं। और इस प्रकार से पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आप सबसे अर्धवार्षिक परीक्षाओं में पूछा जाएगा, आप सभी लोग यहां से इसको पूरा देख लेंगे। दोस्तों, यहां से आप लोग देख सकते हो, इस जगह से आप सबको मौसम और जलवायु में अंतर याद करना है आपको, आप सभी लोग यहां से इसको देख लेंगे और इसको याद भी कर लेंगे अच्छे से, ताकि आप सबको मौसम और जलवायु में पूरा अंतर याद हो सके। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को हमारे द्वारा यहाँ से आपका पूरा का पूरा अर्धवार्षिक परीक्षाओं का क्वेश्चन पेपर बता दिया गया है। तो आप सभी लोग दोस्तों इस प्रकार से इसको तैयार कर लें। इसी के साथ में दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।